बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमना ज़फ़र एंड यू आर वाचिंग आमनास किचन 2020। तो जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं जो हूँ वो खीर की रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इसके अंदर मैंने 1 लीटर जो है वो दूध है उसको मैंने अच्छी तरह पका के रखा है, ठीक है। दूध को जो है वो नॉर्मली एक तो आप मैंने फ्रेश मिल्क का यूज़ किया है, आप चाहें तो कोई और ऑलपर्स या कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मोस्टली जो है वो मैं फ्रेश मिल्क ही यूज़ करती हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर 2 से 3 अदद जो है वो साबित हरी इलायची डालनी है। फिर जो है मैंने चावल जो है वो सोक करके रखे थे और सोक करने के बाद मैंने उनको पीस लिया था। अप्रॉक्स 1/2 कप जो है वो चावल इनफ होते हैं फॉर 1 लीटर मिल्क। अच्छा, मैंने चावल को पीसने के बाद यह हल्का सा दूध के अंदर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि वो नीचे जाकर ना लम्स बन जाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने चावलों को जो है वो अच्छी तरह से पहले आपने उसको भिगो के रखना है, भिगोने के बाद आपको उसको पीस लेना है ताकि अच्छी तरह से उसका बारीक दाना हो जाए, और उसके बाद इसको पकाने रख देना है अनटिल द जो चावल है वो अच्छी तरह से पक जाएगा और रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा मिल्क, ठीक। मैंने जो है वो रिड्यूस इतना किया था कि वो हाफ रह गया था, और खीर की कंसिस्टेंसी आपके हिसाब से देख लेगा आप कि आपको कितनी गाढ़ी रखनी है। वैसे बहुत ज़्यादा गाढ़ी या बहुत ज़्यादा लिक्विड भी अच्छी नहीं लगती। इट विल टेक अराउंड 1/2 आवर के जिसके लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर। और दूसरी चीज़ ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको उसको चलाते रहना है, अदरवाइज़ चावल नीचे बैठ जाएंगे और जो है वो उसकी घुटलियाँ बन जाएंगी, लम्प्स बन जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको अच्छी तरह से इसको पकाते रहना है। जब इसका पानी अच्छा खासा रिड्यूस हो गया उसके बाद मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की। चीनी आप बिल्कुल अपने अंदाज़े के हिसाब से ऐड करें। मैंने जो है इसके अंदर 6 चमचे जो है वो 6 खाने के चमचे चीनी ऐड की है। अगर आपको तेज़ मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने इनको, ये मिट्टी की प्यालियाँ हैं, इनको मैंने पहले भिगो के रखा था, भिगोने के बाद इनको मैंने पानी से निकाल के छोड़ दिया था, तो ये खुश हो गई थी। फिर इसके अंदर मैंने खीर सर्व किया। डेकोरेशन जो भी आपको सर्विंग के लिए बादाम पिस्ते डालने हैं या कोई और से ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। बहुत आसान सी है खीर बनाना। और जो है ये खीर मैंने 1 लीटर की बनाई थी जिसके अंदर ये 5 प्यालियाँ बनी थी, और इसके अलावा मतलब ये टोटल 7 बनी थी, 2 खाली गई थी, ठीक है जी। आप देख सकते हैं ये बहुत यमी खीर है और आप इसको बनाएं, ज़रूर खाएं। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ 10 मुहर्रम। खीर पकाएं, खाएं, मुझे दुआओं में याद रखें, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।